अस्सलाम वालेकुम सर, ये FDT टेस्ट लगा रहे हैं हम कंपेक्शन के लिए न्यूक्लियर गेज मेथड के साथ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हथौड़े से इस पे चोटे लगा रहा है। तकरीबन 6 इंच तक ज़मीन में हम इसे करेंगे। इसका नाम है न्यूक्लियर डेंसोमीटर, ये FDT है न्यूक्लियर गेज मेथड का। ये बिल्कुल वर्टिकली होना चाहिए। और ये अभी इसको निकालने का तरीका है, ज़मीन से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये इसको घुमाते हुए करेंगे निकालेंगे, नहीं तो इसकी जो मिट्टी है वो गिर जाएगी साइडों से और टेस्ट फेल हो जाएगा। Now to remove this rod, you must follow this practice. It must be exactly vertical on 90 degrees. Okay. Now let's see. Okay. This is how you will fix the gadget. इधर आपने कोड लिखना था। Okay. आप आते हैं? Okay. From this. Just a second. Okay. 6 inches. What does this mean? So here you can see. Okay, this change is coming. कैसे अंदाज़ा लगाते हैं? ये 2-2 इंच के हैं। This space is 2 inches. This is 2 and this is also 2. So from here you can see that it is 6 inches down from the existing level. So this is how you will bring this rod down and this soil, and that is how you will get a good result. Now for the first, अच्छा इसमें हम थीम करते हैं ना? तीन बार आपने वो यूज़ किया या एक ही बार करते हैं? एक ही बार करते हैं। ओके, इस नंबर में बटन स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। 15 सेकंड के बाद रीडिंग आ जाती है। ओके, 15 सेकंड के बाद रीडिंग आ जाती है। यू विल हैव टू सेलेक्ट दिस बटन आफ्टर अप्लाइंग दिस रॉड इन दिस सॉइल एंड एज यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन यू विल हैव टू गो 10 फीट अवे फ्रॉम दिस मशीन बिकॉज़ दिस इज न्यूक्लियर मशीन and that is how up to 15 seconds it can leave its rest, and that is how you are going to get all the data that is required for the FDT result. Thank you a lot.